हेलो दोस्तों, इन्फो ट्रेड चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, इस चैनल में जो है हम आपको टेक्निकल जो है सारी जो है नॉलेज जानकारी देते हैं टेक्निकल फील्ड से। तो आज मैं आपको आपके लिए जो है एक माइक्रोमीटर लेकर आया हूँ। माइक्रोमीटर के बारे में आपको मैं समझाऊंगा, इसकी बेसिक जानकारी, छोटे छोटे जो है इसके तरीके सीखे चलाने के, सीखने के, और इसके पार्ट्स के नाम, इसकी लिस्ट काउंट वगैरह मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो दोस्तों, आप वीडियो पूरी देखें शुरू से लास्ट तक, आपको जो है ज़रूर माइक्रोमीटर चलाना आ जाएगा। यदि आपको नहीं आता तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले मैं माइक्रोमीटर दिखाता हूँ आपको, माइक्रोमीटर कैसा होता है अगर आपने नहीं देखा। तो ये माइक्रोमीटर है, इसके माइक्रोमीटर के सबसे पहले आपको पार्ट्स के नाम पता होने चाहिए। तो मैं आपको पार्ट्स के नाम एक बार क्लियर कर देता हूँ, पार्ट्स के क्या क्या नाम है आप इसका देखें। सबसे पहले ये इसका फ्रेम होता है, फर्स्ट नंबर में इसके फ्रेम की बात चलती है। तो ये इसका फ्रेम होता है, फ्रेम के पीछे जो है आगे इसकी जो लिस्ट काउंट लगी लिखी होती है। तो आप यहाँ देखें, लिस्ट काउंट लिखी हुई है 0.01 मिलीमीटर की लिस्ट काउंट है, और जो ये चेक कर सकता है 0 से 25 मिलीमीटर तक का जो है इसको ये आसानी से चेक कर सकता है, किसी भी जो है जो उसकी चौड़ाई जो शाफ्ट की होगी या जो है उसकी मोटाई किसी भी प्लेट की शीट की चेक कर सकता है। ठीक है, तो इसके पार्ट्स से हम जो है पहले आपको पार्ट्स के नाम बताता हूँ। ये होता है दोस्तों फ्रेम, ठीक है, ये फ्रेम होता है। इसके बाद आती है हमारी एनविल, ये जो छोटा सा आप देख रहे हैं ये एनविल है, ये स्पिंडल है, ये जो इसका स्पिंडल लोक है। इसके बाद यहाँ आती है बारी, ये होता है इसका बैरल, ये होता है इसका थिम्बल, और ये होता है रैचेट स्टॉप। तो ये इसके पार्ट्स के कुछ नाम हैं। ये रैचेट स्टॉप है इसका। तो और इसके बाद इसके जो है हम इसको ढंग से दिखाते हैं आपको खोल के। तो आप यहाँ ध्यान देखें, ध्यान से ध्यान दें ज़रा। तो इसके जो ऊपर वाला भाग देख रहे हैं आप, ये जो है हमारा जो ये बैरल जो बन रहा है, इस पे जो है 1 मिलीमीटर के खाने बने होते हैं, यानी कि 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, तो 5 मिलीमीटर इस तरीके से जो है 25 मिलीमीटर तक जाएगा आगे। और इसके बाद आप देखें नीचे जो जो खाने होते हैं इसके, ये होते हैं हमारे 0.5 मिलीमीटर के, यानी कि आधे मिलीमीटर के खाने होते हैं। यानी कि ये जो है एक खाने यानी 1 मिलीमीटर के भाग को दो भागों में बांटता है, ठीक है, यानी कि 0.5 इसका इसका जो मान है। और जो इसका जो दोस्तों एक खाने का मान होता है वो कितना होता है, इसकी जो लिस्ट काउंट होती है, लिस्ट काउंट कितनी है इसकी, 0.01 मिलीमीटर। तो इसके जो एक खाने का मान है वो है 0.01 मिलीमीटर। तो आपको ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए, अगर आपको ये सारी चीज़ पता है तो आप माइक्रोमीटर को चला सकते हैं, यदि आपने कभी चला रखा हो तो। फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो है इस तरीके से जो है माइक्रोमीटर जो है, जब आप कभी कंपनी में या फैक्ट्री में प्रैक्टिकल वगैरह या इंटरव्यू वगैरह देने जाएंगे तो माइक्रोमीटर भी आपसे पूछ सकते हैं। तो माइक्रोमीटर से जो है कुछ भी आप चेक करवा सकते हैं। तो ये आपको चलाना जरूर आना चाहिए अगर आप टेक्निकल फील्ड से हैं। तो मैं आपको सिखाता हूँ आज दोस्तों। सबसे पहले बारी आती है माइक्रोमीटर को पकड़े कैसे। दोस्तों इसको जो हम माइक भी बोलते हैं, शॉर्ट भाषा में हम जो है इसको माइक भी बोलते हैं। तो माइक को पकड़ते कैसे हैं दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी जो लास्ट की फिंगर है इसको यहाँ पर इस तरह से डालें और इस तरीके से पकड़ें, क्योंकि दोस्तों ये छोटी छोटी बात जो है ये बहुत कम लोग बता पाते हैं आपको, लेकिन मैं तो आपको जो है सिखाने ही आया हूँ, तो मैं आपको सिखाऊंगा काफ़ी कुछ आने वाले टाइम में भी। तो इस तरीके से दोस्तों आप पकड़ें, ये देखिए ध्यान से, ये मैंने दो फिंगर यहाँ डाली, एक फिंगर आपको यहाँ लगाएं, दो फिंगर को फ्री रखें इसको घुमाने के लिए, इसके जो है थिम्बल को, ये इस तरीके से। तो ये छोटी छोटी बात है, अगर आप इस तरीके से पकड़ते हैं माइक्रोमीटर को और कुछ भी चीज़ चेक करते हैं, तो सामने वाला जो एग्जामिनर होगा वो आपकी जो है स्टाइल को देख के, इस तरह से देखते ही समझ में आ जाएगा कि बंदे को जो है माइक्रोमीटर चलाना जरूर आता है। तो आप सबसे पहले चलाना इसको पकड़ना सीखें, अगर आपको पकड़ना आ गया तो आप माइक को आसानी से चला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको टाइट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, ठीक है। अब बारी आती है हम चेक कैसे करें, ठीक है। तो चेक कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आप पहले हमने दिखाए थे, मैंने कुछ जो है टूल्स ये इकट्ठे किए हैं मेरे पास रखे थे पुराने, तो इन्हीं को से दोस्तों मैं चेक आपको इनसे ही चेक करना बता देता हूँ कैसे चेक करते हैं। तो अब इसकी हम थिकनेस चेक करने जा रहे हैं, ये जो हमारे पे पार्ट्स हैं, ये शीट का कटा हुआ पीस है, इसको जो हम इसकी थिकनेस चेक करते हैं। थिकनेस कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ और बता देता हूँ साथ में, तो सबसे पहले इसकी जो आप एक चीज़ और देख लें कि इसकी जो इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। तो जब आप यहाँ देखेंगे, ये जो आप ध्यान से देखेंगे, ये जो इसकी जीरो जो रीडिंग है ये इस वाली लाइन से मिलनी चाहिए। तो यदि ये इस लाइन से मिल रही है तो क्या है, इसकी त्रुटि नहीं है, ऊपर नीचे जा रही है, वो त्रुटि का जो है फिर अलग सिस्टम लगता है। त्रुटि के मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा कभी, त्रुटि को कैसे ठीक करते हैं, त्रुटि को कैसे निकाल देते हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी जो है थिकनेस चेक करते हैं, वही मैंने आपको पकड़ने बताया, पकड़ते हैं इस तरीके से, ठीक है, और इसको हम चेक करते हैं, चलिए चेक करते हैं। तो मैंने इसको लगाया यहाँ पर। अब हम दोस्तों ये ध्यान रखें, जब भी आप इसको इस तरह से टाइट करेंगे तो ज़्यादा टाइट ना करें, यहाँ से ज़्यादा टाइट कर देंगे तो इसकी जो है रीडिंग ऊपर नीचे हो सकती है। तो हल्का सा जब आपको दिखे कि हाँ टाइट हो गया, तो आप जो है ना इसका रैचेट स्टॉप जो है ये वाला, इसको एक बार घुमा के देख लें, यदि ये आवाज़ कर रहा है तो समझे टाइट हो गया, ये इस तरह से आवाज़ कर रहा है, यानी कि फुल टाइट है।
आप इस पर जोर ना दें, कभी आप इसको घुमाएंगे तो टाइट तो हो जाएगा और लेकिन जो है रीडिंग सही नहीं आएगी, हमारा जो एक्चुअल साइज़ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको आवाज़ इस तरह से आवाज़ करके देख लें कि आवाज़ कर रहा है, ठीक है अभी टाइट हो गया। बाकी आप यहाँ से जो है इसका लोक भी लगा सकते हैं। ठीक है, जब आप लोक लगा देंगे तो अब हम क्या करेंगे, अब इसकी रीडिंग पढ़ेंगे। चलिए मैं आपको रीडिंग पढ़ना बताता हूँ किस तरीके से इसकी रीडिंग पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखेंगे तो आपको जरूर समझ आएगा। अब आप यहाँ देखें ध्यान से कि हम जो है यहाँ देखेंगे 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर तो कंप्लीट हो रहा है, यानी कि 1 2। आप ध्यान से देखें, जब आप अगर आपको वैसा दिख नहीं रहा होगा मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी जो थर्ड वाली लाइन भी मिल रही है, दिख रही है कि दोस्तों लाइट की रोशनी कम है, शायद आपको ना दिख रही हो, मैं आपको फिर भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसकी जो है 1 मिनट रुके दोस्तों, तो आप ध्यान से देखें, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, थर्ड लाइन भी दिख रही है इसकी, ये देखें यहाँ दिख रही थर्ड लाइन, तो कितना होगा दोस्तों 1 2 3, 3 मिलीमीटर जो है ये पूरा खुल रहा है। इसके बाद आप नीचे देखेंगे कि लाइन दिख रही है कोई नहीं, नीचे कुछ नहीं दिख रहा, तो 3 मिलीमीटर दोस्तों कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि ये जो लाइन है ये नीचे जा रही है, तो ये एक खाने का मान 0.01 है, तो 1 2 3 4, तो कितना हो गया, ये हो गया 3.0, 3.0 यहाँ पर आ जाएगा 0.4। ठीक है, 1 2 3 4, क्योंकि ये वाली लाइन आसपास मिल रही है, तो इसको लिखेंगे हम 3 पॉइंट, कितना लिखेंगे ध्यान से देखें दोस्तों, थोड़ा कैमरा प्रॉब्लम कर रहा है, मोबाइल के दोस्तों बनाई जा रही है वीडियो, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है वीडियो मोबाइल से बनाने में, क्योंकि मेरे पास कैमरा नहीं है अच्छा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये ध्यान से देखें आप, ठीक है, तो ये जो है दोस्तों ये अब यहाँ पे जो है ये देखें आप ध्यान से, तो ये जो है हमारा एक, ये जो है हमारा 4, यानी कि 3.04 इसकी जो है थिकनेस यानी कि मोटाई आ जाएगी इस वाले शीट के टुकड़े की। ठीक है, तो इसे आसानी से इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, तो इसे आप आसानी से चेक कर सकते हैं इस तरीके से। चलिए मैं और दिखाता हूँ आपको, और आप कैसे चेक कर सकते हैं, इसको हम वापस खोलते हैं, इसका लॉक खोलेंगे सबसे पहले और इसको हम हटा देते हैं। तो अब मैं आपको जो है इसकी जो है थिकनेस चेक कर दिखाता हूँ कितनी थिकनेस है, तो आप इसे इस तरीके से पकड़ें और इसे यहाँ से मिलाएं इस तरीके से, और इसके अंदर जो है ये डालें इस तरीके से, जब इसे खोलेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ तक आ जाएगा, तो हम इसको नाप देंगे इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, बेस ध्यान रखें, बेस ज़्यादा मिलना चाहिए, मैंने जैसे कि पहले वीडियो में बताया था बेस हमें ज़रूर मिलना चाहिए, तो ये टाइट हो गया। ठीक है, तो और हम जो है और थोड़ा सा यहाँ से देख लेंगे करके, हाँ टाइट हो गया, ज़्यादा दोस्तों यहाँ से ना करें, यहाँ से आप करके देख सकते हैं, यहाँ से जो एक्चुअली जितना होगा उतना ही टाइट होगा। ठीक है, ये हम इसका लॉक लगा देते हैं। ठीक है, लॉक निकाल के इसको निकाल भी सकते हैं, लेकिन आप नहीं निकल रहा तो मत निकालें। ठीक है, ये हो गया इतना, अब आप ध्यान से देखें कि कितनी रीडिंग आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कि ये देखें दोस्तों, अब भी सोचें कि कितनी बैटरी, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आप ध्यान देखें कितना आ रहा है बताएं मुझे। तो आप यह देखेंगे ये 5 मिलीमीटर कंप्लीट, 5 के बाद 6 7 8, 8 मिलीमीटर तो इसकी मोटाई 100% है ही, लेकिन इसके बाद अगर आप देखेंगे 8 मिलीमीटर के बाद कितना आ रहा, तो 8 पॉइंट लगाएंगे अब ये वाला इसका बैरल देखेंगे कि ये कौन सी लाइन मिल रही है, तो यहाँ पे देखेंगे 40, ये देखें दोस्तों 40 लिखा है। ठीक है, 40, 40 के बाद ये 45, लेकिन 45 से एक कम है, तो कितनी है 44, तो कितना लिखेंगे 8 8, यानी कि 5 ये रहा हमारा, 5 के बाद 1 2 3 4 8 आ रहा है, 8.44, क्या लिखेंगे इसे 8.44। ठीक है, इसे जो है हम लिख सकते हैं 8.44, इसकी जो है थिकनेस आ गई, मोटाई आ गई। ठीक है, इस तरीके से आप माइक्रोमीटर से चेक कर सकते हैं। चलिए अगर आपको अभी भी समझ में ना आ रहा हो तो मैं आपको दूसरा समझाता हूँ, ये देखें इसे खोलें, इसका लॉक हटाएं और इसको खोलें, मेरे पास ये शाफ्ट रखी है, इसको भी मैं आपको चेक कर दिखाता हूँ, तो हम थोड़ा ज़्यादा खोलेंगे सब, क्योंकि जो है इसकी जो है चौड़ाई जो है ज़्यादा है शाफ्ट की, तो आप इसे आसानी से खोलें इस तरीके से। तो आप खोलने का तरीका आप किस तरीके से खोल सकते हैं, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि ये जो है कुछ ज़्यादा ही है, तो शायद मुझे लगता नहीं चेक हो जाएगा, फिर भी मैं खोल कर देखता हूँ, आ गई। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें, मैं इसको पूरा लगा देता हूँ यहाँ पर, और आप इस तरीके से पकड़ें इसे। ठीक है, तो इसको हम वापस टाइट करते हैं, तो ये कितनी आ जाएगी अभी आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी दोस्तों ये। ठीक है, आप इसे ध्यान से इस तरीके से लगा दें। ठीक है, और यहाँ से इसे लॉक कर दें। ठीक है, बाकी तो आप इसे लॉक करके निकाल भी सकते हैं, तो मैं इसको लॉक करके जो है निकाल ही लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा बड़ा पीस हो रहा है, तो ये हमने जो है लॉक कर दिया, ये लॉक कर दिया और उसको हमने शाफ्ट को निकाल दिया। ठीक है,
अब आप यहाँ पर रीडिंग पढ़ेंगे तो देखते देखें दोस्तों ध्यान से रीडिंग कितनी आ रही है इसकी शाफ्ट की जो है। तो अब यहाँ ये देखें, ये 20 तो पूरा हो रहा है, 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25 भी दोस्तों दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 25 मुझे तो दोस्तों दिख रहा है, लेकिन जो है हल्का सा दिख रहा है। तो दोस्तों 25 के करीब जो है कंप्लीट पूरा हो गया है, और ये 25 ही दोस्तों चेक कर सकता है क्योंकि जो आप देखा होगा तो 0 से 25 मिलीमीटर, तो 25 मिलीमीटर के लगभग जो है इसकी जो है मोटाई आ रही है इस शाफ्ट की, ठीक है। तो ये तो दोस्तों ज़्यादा सा हो गया, दूसरा कोई चेक करते हैं। तो मैं इसको जो है वापस इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो हम जो है अब इसकी जो है इसकी दोस्तों हाँ इसकी जो हम चेक करते हैं, जैसे मैंने पहले दिखाया था आपको, तो इसकी हम दोस्तों ये वाली जो है चौड़ाई चेक करते हैं, ये कितनी चौड़ा है। तो माइक माइक से भी चेक कर सकते हैं, बाकी वन ईयर कैलीपर से चेक कर सकते हैं। तो वन ईयर कैली माइक से हम कैसे चेक करेंगे, चलिए हम इसको खोल देते हैं पहले पूरा, और खोलने के बाद इसको हम यहाँ जाएंगे, इसको यहाँ पे टाइट कर देंगे, कहीं 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 भी हम इसको इस तरीके से टाइट कर देंगे, और इसको आप निकाल भी सकते हैं बाद में टाइट करके लोग को, और बाकी तो अब लगा लगा ही चल रहा है। तो अब हमारा क्या कितना ही रेडी, चलिए देखते हैं, ध्यान से देखें दोस्तों, ज़रूर आपको समझ में आएगा। दोस्तों समझ में आए तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। तो ध्यान से देखें आप कितनी आ रही हैं ये, आप देखें 20 कंप्लीट हो रहा है, 20 के बाद 21, 22, ठीक है, थोड़ा जो है ये आया देखा, 25 कंप्लीट, 25 का 22 और 21, 22, तो 22 जो है कंप्लीट हो गया, यानी कि 22 पॉइंट के बाद क्या लगाएंगे, 22 के बाद यदि यहाँ पे कोई अगर एक कोई हमारे जो है नीचे अंदर नीचे वाली संख्या नीचे वाली लाइन दिखती तो हम जो है 0.50 जोड़ देते हैं। अब 0.50 नहीं जोड़ेंगे क्योंकि दिख नहीं रही है लाइन हमें, तो 22 है, 22 के बाद अब यहाँ देखें कौन सी लाइन इस वाली लाइन से मिल रही है इनमें से, तो यहाँ देखें 25, 26, 27, तो कितना हो रहा है 22.27, इसका कितना हो गया 22.27, इसका इसकी रीडिंग आ जाएगी, यानी कि इसकी चौड़ाई आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। और भी मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और दोस्तों एक बात, चलो मैं बेसिक जानकारी दे देता हूँ इसकी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं है चेक करने के, तो मैं इसका लॉक खोल देता हूँ। जैसे तो इसका जो है मैंने यहाँ खोल दिया, ये यहाँ खोल दिया, ठीक है। अब आप बताएं मुझे कितनी रीडिंग आ रही है, तो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ जो है दोस्तों इसमें 11, यानी कि ये देखें, ये यहाँ ये मैंने खोल दिया इतना, ठीक है, तो ये 15 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो 15 पॉइंट। अब आप यहाँ देखेंगे दोस्तों, ऐसा तो मोबाइल में आपको दिखेगा नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ, यहाँ पे एक नीचे वाली लाइन भी दिख रही है, ठीक है। तो जब नीचे वाली लाइन दिखेगी तो हम क्या करेंगे, 15.50 जोड़ेंगे, ठीक है, ये सामने देखे मैंने लिख दिया है 15.50। लेकिन अब इसको भी चेक करेंगे इस वाली रीडिंग को, तो वो कितनी आएगी, अब यहाँ देखिए कौन सी लाइन जो है ये बैरल वाली जो है कौन सी मिल रही है इसके साथ, इस वाली लाइन के साथ मिल रही है। तो यहाँ देखिए 20, 21, 22, 23, 24, 24 और 23 में से कोई भी एक लाइन हम मिला सकते हैं, तो जो 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 ज़्यादा ज़्यादा नज़दीक होगी वो लाइन मिला देंगे। तो हमारी कौन सी नज़दीक है, ये 24 वाली नज़दीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे इसे, 15.50, जो 0.50 हमने जोड़ा है नीचे का आधा मिलीमीटर का, ये आपको नहीं दिखेगी शायद, मुझे तो दिख रही है क्योंकि मोबाइल में साथ ज़्यादा साफ नहीं आ रही वीडियो। तो 20.50, 0.50 में हम जो जोड़ देंगे कितना, तो 0.50 में 0.24 जोड़ देंगे, तो 15.74 mm इसकी रीडिंग आ जाएगी। कितनी आ जाएगी दोस्तों, 15.74 mm, ठीक है। आप इस तरीके रीडिंग को ऐसे चेक करें, क्योंकि जो नीचे का खाना अगर नीचे वाली लाइन दिख रही है तो उसका मान समझे, ये नीचे वाली लाइन दोस्तों दिखनी चाहिए जो क्रॉस कर रही हो, अगर वो नहीं दिख रही, ये यहाँ तक है, अगर इस लाइन से यहाँ तक है तो उसे नहीं गिनेंगे, लेकिन इस लाइन के बाद भी हमें कोई नीचे वाली लाइन, इस लाइन के बाद नीचे वाली लाइन मिल दिख रही हो तो उसका मान 0.50 होता है। तो 0.50 में हम जो है फिर इसकी काउंटिंग करते हैं, इनको जोड़ के लिखते हैं इस वाली लाइन में, यानी कि 15.94 इसका आ रहा है, ठीक है। चलिए मैं एक और बताता हूँ आपको इसी तरह, क्योंकि इस तरह के मेरे पास चेक करने का कोई वो नहीं है। अब आप यहाँ देखें मैंने मिला दिया इतना, ठीक है। अब अगर आपको दिख रही हो तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें दोस्तों, आप ये हल्की सी लाइन देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अभी अब हमारा कितना आ रहा है, अभी देखें यहाँ पे, ये रहा 10, 10 के बाद 11, 12, 13, तो 13 पॉइंट ये 50 भी जोड़ेंगे, ठीक है। 13.50 के बाद ये वाली लाइन और जोड़ेंगे, तो 35 के बाद 36, 37, 38, अब देखें 38 और 39 में से कोई भी एक लाइन मिला सकते हैं, तो हमारी जो नज़दीक है वो मिलाएंगे, हमारे ये नज़दीक लग रही है। तो कितनी आ रही है यहाँ पे, 35, 36, 37, 38, तो कितना हो जाएगा, जब हम जो है
इसमें जो हमने कितना जोड़ा था यहाँ पे, 11, 12, 13, 13.50 में जोड़ देंगे हम, कितना पॉइंट 50 में हम जब जोड़ देंगे तो 0.39 हम ले लेंगे इस वाले यहाँ से, ठीक है 0.39। तो हमारा आ जाएगा 89, तो 13.89 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह की रीडिंग को हम ऐसे चेक कर सकते हैं। और भी वो तो दोस्तों बहुत सारी बेसिक छोटी छोटी जानकारी होती हैं, जब आप कभी माइक्रोमीटर चलाएंगे तो आपको जो है काफ़ी चीज़ समझ में आ जाएगी। और दोस्तों माइक्रोमीटर जो है सभी बच्चों को चलाना आना चाहिए, तो मैंने आपको समझा दिया है थोड़ा बहुत, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि वीडियो सही नहीं बन पाती, फिर भी मैंने आपको कोशिश करी है समझाने की। जैसे कि मैं आपको एक बार और नॉलेज दे देता हूँ, एक चीज़ और बता देता हूँ। चलिए, मैं दोस्तों मोबाइल से जो ना वीडियो मज़ा नहीं आता बनाने में, फिर भी बनानी पड़ती है मुझे कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सिखा सकूँ। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखे ध्यान से, जब भी कभी याद रखें नीचे की लाइन जब दिख रही हो, ठीक है, जैसे मान ली यहाँ पे आप देखें 15 लिखा, 15 के बाद एक लाइन दिख रही है दोस्तों मुझे यहाँ पे दिख रही है छोटी सी, तो 15 के बाद कितना जाएगा 0.50, 15.50, और इसके बाद हम जोड़ देंगे 15, 16, 17, तो 17 और जोड़ देंगे, तो 50 के बाद हम जब 17 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आ जाएगा 67, तो 15.67 इसका हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखें नीचे वाली लाइन का मान जो है 0.50 जुड़ता है, ठीक है, इसके बाद 0.50 जोड़ेंगे, 0.50 के बाद ये भी जोड़ेंगे, ठीक है, तो 67 इसका आ जाएगा, 15.67 यानी 15.67। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हम माइक्रोमीटर को चला सकते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, मैंने आपको कम्प्लीटली बता दिया है। और अगर आपको समझ में आया तो नीचे ज़रूर कमेंट में लिखें, और समझ में आया हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियो में जो है आपके लिए लाता रहूँगा। और भी इंस्ट्रूमेंट अगर मेरे पास आते हैं कहीं मुझे मिलते हैं, तो मैं आपको इंस्ट्रूमेंट चलाने लगभग सारे सिखा दूंगा, आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी सीखने की। तो आप जब भी कभी कहीं कंपनी वगैरह इंटरव्यू वगैरह जाएंगे तो आप आसानी से इनको जो है इनसे जो है चला सकते हैं। दोस्तों कोई भी चीज़ जो है कठिन नहीं होती, बस आपको जो है सीखने का आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, तो आप उसको आसानी से सीख सकते हैं। जब आप ये ठान लेंगे कि हमें ये सीखना है सीखना है, तो आप किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं से इसको जो है आसानी से सीख जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में जो है मुझे माइक्रोमीटर आप मैंने आपको चलाना बता दिया है, किस तरह चलाते हैं माइक्रोमीटर को, इस तरह से पकड़ते हैं आप, ये ध्यान रखें, ध्यान से देखें, इस तरह से अगर आप पढ़ रहेंगे तो आप जो है अच्छी आसानी से चेक कर सकते हैं। यही एक तरीका है माइक का पकड़ने का, माइक बोलते हैं शॉर्ट में। और इसकी जो लिस्ट काउंट होती है 0.01 मिलीमीटर इसकी लिस्ट काउंट होती है, ये आपको पता होगा, जैसे कि मैंने 1 ईयर कैलिपर की बताई थी, 1 ईयर कैलिपर की लिस्ट काउंट होती है 0.02 मिलीमीटर होती है। तो सभी इंस्ट्रूमेंट की जो लिस्ट काउंट होती है, लिस्ट काउंट से जो है एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है एग्जाम में। तो माइक्रोमीटर से कई बार एग्जाम में लिस्ट काउंट क्या है, आप कैलिपर वगैरह, 1 ईयर बैरल प्रोट्रैक्टर, इनकी लिस्ट काउंट आपको पता होना चाहिए। तो काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ होती है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियो से जल्दी ही मिलेंगे। तो अपना जब तक ध्यान रखें दोस्तों, ख्याल रखें, और दोस्तों चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। और जिन भी स्टूडेंट को इस चैनल इस वीडियो की इस तरह की जो है ज़रूरत है इन वीडियो की, तो उन तक जरूर पहुँचाएं। मेरे से ज़्यादा अच्छा काम ये आप ही कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल आप लोगों का भी है। तो अब जो है चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें दोस्तों, तैयारी करते रहें, बाय बाय, टेक केयर।